नमः शिवाय। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं साल 2022 कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा जाने वाला है, यानी नव वर्ष 2022 का वार्षिक राशि फल कुंभ राशि वाले जातकों को इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि यह साल किस क्षेत्र विशेष में कुंभ राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता देने वाला है और कहां पर विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। तो चूंकि कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर शनिदेव की साढ़े साती का प्रभाव भी चल रहा है, तो पिछले 2 से 3 वर्षों से बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातक जीवन में उतार चढ़ाव, संघर्ष और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। शारीरिक रूप से समस्याएं बनी हुई है, कर्ज भरी स्थितियां बनी हुई है, धन संकट का सामना बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातकों को करना पड़ रहा है। वहीं बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातकों को पारिवारिक जीवन में विद्रोह, परिवार से मनमुटाव भरी स्थितियां लगातार बनी हुई है। तो साल 2022 किस क्षेत्र विशेष में कुंभ राशि वाले जातकों को सकारात्मकता देता हुआ नजर आएगा, इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी को साल 2022 की हार्दिक शुभकामना। इस राशि फल को कई भागों में बांटा गया है ताकि समझने में आसानी हो सके। सबसे पहले कुंभ राशि वाले जातकों को करियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ की जानकारी हम देंगे। उसके पश्चात कुंभ राशि वाले जातकों को साल 2022 को बेहतर बनाए रखने के लिए क्या उपाय करें, ये जानकारी आपको देने वाले हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों, राशि फल को हम प्रारंभ करें उससे पूर्व हम आपको बता दें कि कुंभ राशि वाले जातकों के व्यक्तित्व में क्या होता है, इस राशि वाले जातकों की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है। तो आपकी राशि के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं। शनि प्रधान राशि होने के कारण इस राशि में विशेष रूप से एकांतता देखने के लिए मिलती है। अकेलापन में यह जातक ज्यादा रहना चाहते हैं। यह हर व्यक्ति की, अपने जीवन से जुड़े हुए हर व्यक्ति की मदद करते हुए देखे गए हैं। परिवार के लिए समर्पित कुंभ राशि वाले जातक होते हैं। कुंभ राशि के अंदर हसमुख स्वभाव देखने के लिए मिलता है और जीवन में अपने भाव द्वारा, अपने विचार द्वारा समझदारी का परिचय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देते हैं। शनि प्रधान राशि होने के कारण जीवन में कार्यों को धीमा करना पसंद करते हैं, धीरे धीरे कार्य को जीवन में संपन्न करते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं। कठोर परिश्रम करने वाले जातक कुंभ राशि के होते हैं। तो ये सारी खूबी होने के बावजूद भी कुंभ राशि के जातक आखिर जीवन में सफलता क्यों नहीं पा पाते हैं, इसकी जानकारी वीडियो के अंत में उपाय बताते समय हम आपको देंगे। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि साल 2022 में किन किन ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। तो देखिए, साल 2022 में 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। सबसे पहले राहु केतु राशि बदलेंगे, शनि का राशि परिवर्तन होगा, गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा। ये ज्योतिष के मेजर ग्रह माने जाते हैं और इन चारों ग्रहों का परिवर्तन 2022 में होने वाला है। सबसे पहले गुरु बृहस्पति साल की शुरुआत से लेकर 12 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि यानी आपकी राशि में रहने वाले हैं। उसके पश्चात मीन राशि में चले जाएंगे और गुरु बृहस्पति 23 फरवरी 2022 से लेकर 27 मार्च 2022 तक अस्तगत स्थितियों में भी रहेंगे। आपके राशि के स्वामी शनिदेव की अगर जानकारी दिया जाए तो 1 जनवरी 2022 से यानी साल की शुरुआत से लेकर 28 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में रहने वाले हैं और उसके पश्चात कुंभ राशि यानी अपनी स्वयं की राशि या आपके लगन भाव में आ जाएंगे और मूल त्रिकोण राशि में वर्ष के अंत तक रहने वाले हैं।
शनि 24 जनवरी से लेकर 27 फरवरी तक अस्तगत स्थितियों में भी रहेंगे। राहु देव 12 अप्रैल 2022 तक वृष में यानी अपनी उच्च राशि में रहेंगे, उसके पश्चात मेष राशि में जाने वाले हैं और साल के अंत तक रहने वाले हैं। ठीक उसी तरह केतु का भी 12 अप्रैल को ही राशि परिवर्तन हो जाएगा और केतु 12 अप्रैल के उपरांत वृश्चिक राशि से निकलकर तुला राशि में रहेंगे और वर्ष के अंत तक रहेंगे। इस प्रकार बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन साल 2022 में होने वाला है। हर वर्ष ग्रहों का परिवर्तन नहीं होता है, इस वर्ष जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है यह वर्ष को काफी ज्यादा उतार चढ़ाव भरा बनाएंगे। मंगल साल 2022 में 8 बार राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कुंभ राशि के लिए साल 2022 करियर के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो देखिए, लगन भाव में गुरु बृहस्पति गोचर में रहेंगे 1 जनवरी 2022 को। आपके राशि के स्वामी द्वादश भाव में बुध देव के साथ गोचरी स्थितियों में रहेंगे। सूर्य शुक्र राशि के 11वें भाव में रहेंगे। आपके राशि के दशम भाव में मंगल केतु और चंद्र एक साथ गोचर में रहने वाले हैं। वहीं राहु देव कुंभ राशि वाले जातकों की राशि के चतुर्थ भाव में 1 जनवरी 2022 को रहेंगे। तो करियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से अगर साल 2022 की जानकारी कुंभ राशि को दिया जाए तो इस साल को यदि दो पक्षों में बांटे तो जो साल का पहला पक्ष रहने वाला है वह आपके लिए संघर्षदायक रहेगा। इसमें क्या होगा कि आपके अंदर संघर्ष की प्रवृत्ति यदि रहेगी, आलस्य देखने के लिए मिल सकता है, आपको अपने कार्य पर फोकस होकर विशेष रूप से चलने की आवश्यकता रहने वाली है, खास तौर से साल 2022 की शुरुआत में ही, क्योंकि आपके राशि के स्वामी शनिदेव 24 जनवरी 2022 से लेकर 27 फरवरी 2022 तक अस्तगत स्थितियों में भी रहेंगे। तो अप्रैल के पूर्व तक कुंभ राशि वाले जातकों को विशेष रूप से समर्पण के साथ, समझदारी के साथ करियर के क्षेत्र में परिश्रम लगातार करने की आवश्यकता रहने वाली है। व्यावसायिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए भी व्यापार में मेहनत करने की आवश्यकता रहने वाली है, हालांकि सफलता भी देखने के लिए मिलेगी। इस वर्ष बेरोजगार जातकों के लिए विशेष संभावना निर्मित हो रही है। कुंभ राशि के ऐसे जातक जो नए कार्य व्यवसाय को प्रारंभ करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए समय ठीक रहने वाला है। और अप्रैल के उपरांत कुंभ राशि वाले जातकों को जीवन में जल्दी संभावना मिलेगी, सफलता जीवन में जल्दी मिलती हुई नजर आएगी। साल के अंतिम 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आपके जीवन में करियर में उन्नति देते हुए नजर आएंगे। तो भाई हम आपको जानकारी देते हैं धन को लेकर। जानकारी यदि साल 2022 की दी जाए तो धन भाव के स्वामी बनते हैं गुरु बृहस्पति, जो साल की शुरुआत में लगन में रहेंगे और अप्रैल के उपरांत धन भाव में आ जाएंगे। और राशि के 11th हाउस के बारे में अगर जानकारी दिया जिससे लाभ के बारे में विचार किया जाता है, तो देखिए धन को लेकर कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 बड़ी संभावना निर्मित कर रहा है। स्थितियां जीवन में उम्मीद से ज्यादा बेहतर बनी हुई रहेंगी। कुंभ राशि वाले जातकों को आर्थिक जीवन में पर्याप्त धनार्जन होता हुआ नजर आएगा, परंतु धन को आप बहुत कम बचा पाएंगे। व्यर्थ के खर्च और कर्ज भी बने हुए रहने के कारण धन आपका जाता हुआ भी रहेगा, इसलिए व्यर्थ के खर्च पर विशेष रूप से नियंत्रण रखना चाहिए। धन संचय करने की प्रवृत्ति कुंभ राशि वाले जातकों को रखना चाहिए। धन अभाव वाली स्थिति यदि आपके जीवन में चल रही थी तो साल 2022 में समाप्त रहेगी, धन की किसी प्रकार की समस्या देखने के लिए नहीं मिलेगी। भौतिक सुखों के लिए भी यह साल अच्छा रहने वाला है। भवन, वाहन, भूमि का सुख भी कुंभ राशि वाले जातकों को देखने के लिए मिलेगा। परिवार को लेकर अगर जानकारी दिया जाए
तो चूंकि 7.5 का प्रभाव चल रहा है तो कुंभ राशि वाले जातकों के अंदर चिड़चिड़ा स्वभाव, जिद्दी स्वभाव, विद्रोही स्वभाव देखने के लिए मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं परिवार को लेकर साल 2022 में अप्रैल की समयावधि तक वाद विवाद भरी स्थितियां देखने के लिए मिलेगी। यहां पर विशेष सावधानी कुंभ राशि वाले जातकों को रखना चाहिए, अन्यथा जीवन में और भी चुनौतियां निर्मित हो सकती है। पारिवारिक जीवन में मांगलिक और धार्मिक कार्यों का आयोजन भी होगा और साल की शुरुआत में पारिवारिक जीवन आपको पूर्ण समर्थन देता हुआ रहेगा, परंतु परिवार को बांध कर रखने की इच्छा यदि आपके अंदर नहीं आएगी तो परिवार में बिखराव भी देखने के लिए मिल सकता है। इस वर्ष अगर कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शिक्षा की जानकारी दी जाए तो साल 2022 में राशि के पंचम भाव के स्वामी, शिक्षा भाव के स्वामी बुधदेव साल की शुरुआत में ही राशि से द्वादश भाव में रहेंगे और शिक्षा भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टियां और प्रभाव भी बने रहेंगे। तो कहीं न कहीं शिक्षा को लेकर यदि कुंभ राशि वाले जातक जुड़े हुए हैं और जीवन में मुश्किलें चल रही थी वह दूर होगी। परीक्षा प्रतियोगिता के लिए यह वर्ष बेहतरीन रहने वाला है, विशेष सफलता देखने के लिए मिल सकती है। ज्योतिषी गणना के आधार पर यह हम कह सकते हैं, प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से अगर कुंभ राशि वाले जातकों को साल 2022 की जानकारी दिया जाए तो राशि के पंचम भाव से प्रेम जीवन का विचार किया जाता है और इस भाव के स्वामी बुधदेव साल की शुरुआत में ही द्वादश भाव में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से जो वर्ष रहने वाला है औसत रहने वाला है। प्रेम को कुंभ राशि के जातक यदि वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं तो विशेष सोच विचार कर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा जीवन में समस्याएं भी देखने के लिए मिलेगी। यात्राएं होती हुई नजर आएंगी और यह आपके लिए बेहतरीन भी रहेगा। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि जानकारी दिया जाए तो राशि के सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन का विचार किया जाता है। इस भाव के स्वामी सूर्यदेव साल की शुरुआत में राशि के लाभ भाव में धनु राशिगत होकर गोचर में रहने वाले हैं और अप्रैल 2022 तक गुरु बृहस्पति का वैवाहिक जीवन वाले भाव पर शुभ प्रभाव दृष्टिगत हो रहा है। तो कहीं न कहीं वैवाहिक जीवन को लेकर कुंभ राशि वाले जातकों के लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी का भरपूर साथ देखने के लिए मिलेगा, भौतिक सुखों में वृद्धि देखने के लिए मिलेगी, जीवन साथी के साथ उन्नति आपकी होती हुई नजर आएगी। इस वर्ष वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जुड़े हुए जातकों के लिए यात्राएं का बन रही है, विदेश में रह रहे जातकों के लिए विशेष स्थितियां शुभ बनी हुई रहेंगी। संतान के लिहाज से भी अच्छा रहने वाला है साल 2022। कुंभ राशि वाले जातकों के संतान की उन्नति जीवन में दिखाएगा। संतान की प्रगति से कुंभ राशि के जातक काफी ज्यादा प्रसन्न चित्त रहेंगे। हेल्थ को लेकर अगर जानकारी दिया जाए तो चूंकि 7.5 का प्रभाव एक और बना हुआ है और लगन में शनि आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव के दौर से आप गुजर सकते हैं। कार्यों का अत्यधिक बोझ आपको परेशान करेगा, चिंताएं उदासी देखने के लिए मिलेगी। कभी कभी कार्यों के अत्यधिक दबाव आ जाने के कारण घर त्याग कर साधु बनने की इच्छा भी आपके मन में उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि लगन भाव में शनि व्यक्ति को ऐसी स्थितियां निर्मित करा देते हैं। तो सबसे पहले कुंभ राशि वाले जातकों को जीवन शैली को सुधारना है, सोने जागने की आदत पर ध्यान दें, भोजन घरेलू भोज्य पदार्थों पर प्राथमिकता दें, शराब धूम्रपान मांसाहार चाय शराब शक्कर इन सब विषयों से आपको पूर्ण रूप से दूरी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। योग ध्यान प्राणायाम को जीवन में दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाएं। तो बेहतर संभावना सेहत के दृष्टिकोण से देखने के लिए मिलेगी
आपको पाचन तंत्र में समस्या, हड्डियों से जुड़ी हुई समस्याएं मिल सकती है। वहीं मानसिक रूप से लग्न में शनि आ जाने के कारण बहुत सारे जातकों को उदासी भी देखने के लिए मिल सकती है। और यदि आपके जन्म कुंडली पर शनि शुभ स्थितियों में है, मूल त्रिकोण राशि में है, या तो उच्च के होकर बैठे हुए हैं, तो ज्यादा किसी प्रकार की समस्या सेहत में देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो भाई हम आपको बताते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 को बेहतर बनाए रखने के लिए कुछ खास और विशेष उपाय, जिसको आप करके जीवन में संभावना निर्मित कर सकते हैं। तो सबसे पहले साढ़े साती का प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है, तो यहां पर आपको हैरान और परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं रहने वाली है। कुछ विशेष बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखकर चलना है। साढ़े साती का प्रभाव जब भी किसी भी राशि के जातक के ऊपर आता है, तो संघर्ष यदि जीवन में इंसान कम करे या संघर्ष से भागता है, तो स्थितियां खराब होती है। कठोर परिश्रम करके जीवन में यदि चला जाए, सत्य का मार्ग यदि न छोड़ा जाए, तो जीवन में स्थितियां बेहतर भी बनती है। तो सबसे पहले कुंभ राशि वाले जातकों को कुछ विशेष कमियां हैं, उन पर कार्य करना है। सबसे पहले मनुष्य के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं, और जो आप सोच सकते हैं वो तो आप कर ही सकते हैं, और वो भी आप कर सकते हैं जो आप तक अभी नहीं किए हैं। तो कुंभ राशि के अंदर एक सबसे विशेष कमी है इनका अनियमित स्वभाव। बिना नियम के कार्य करते हुए जातक देखे गए हैं, और इनका जो डिसीजन होता है अक्सर हड़बड़ाहट में होता है। तो सबसे पहले साल 2022 में यदि आप नियम बना लें कि दिनचर्या को आप व्यवस्थित रखकर कार्य पर नियमावली के साथ चलते हुए रहेंगे, तो समस्याएं कम जीवन में देखने के लिए जरूर मिलेगी। सकारात्मक सोच के साथ यदि आप जीवन में चलेंगे, तो समस्या भी समाधान बन जाएगी। दूसरा, कुंभ राशि वाले जातकों के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस की परिपूर्णता होती है कि जीवन में अपनी कही गई बातों को सिद्ध करते हैं, अव्यर्थ की बातों को भी ये सिद्ध करते हुए देखे गए हैं, और जीवन में स्वाभिमान को कभी कभी ईगो का भाव भी लाने लगते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा होता है कि किसी व्यक्ति की बातों को जीवन में बहुत ही कम सुनते हैं। तो यह आपको त्यागना चाहिए, किसी भी व्यक्ति की के द्वारा कही गई बातों को जल्दी दिल पर ना लगाएं, विश्वास का भाव अपने अंदर उत्पन्न करें। अपने सगे संबंधी और बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों में यह देखें कि ऐसा जातक जो हमारे लिए सही डिसीजन दे रहा है, उसको जीवन में जरूर सुने और आगे चलें। तीसरा, कुंभ राशि वाले जातकों को इस वर्ष यह ध्यान रखना चाहिए कि लोगों पर भरोसा करते समय आपको विशेष सावधानी रखना है, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति की मदद करना और उसके लिए अपने कार्य को छोड़कर भी चल देना कुंभ राशि की निशानी होती है। इसके कारण आपको जीवन में कई प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न होती है। तो इंसान पहचान कर सामने वाले व्यक्ति की मदद करें। अगला, इस वर्ष कुंभ राशि वाले जातकों को किसी भी कार्य को बेवजह टालने की आदत कुंभ राशि के अंदर होती है। हर व्यक्ति को अपने अनुसार चलाने की भी आदत मन में देखने के लिए मिलती है। तो इन सारी आदतों पर आपको ध्यान रखना है, उसी कार्य में अपना हस्तक्षेप करें जिस पर आपका नियंत्रण है। आत्मविश्वास के साथ जीवन में किसी कार्य को करें। कुंभ राशि वाले जातकों को यह भी ध्यान रखकर चलना है ये साल 2022 में सदा सत्य बोलें और हमें ईमानदारी के साथ जीवन में आगे चलने का प्रयास जरूर करें। अव्यर्थ के कार्यों में, अव्यर्थ की बातों में अपने समय को व्यर्थ ना गवाएं। तो यह वर्ष निश्चित ही आपके लिए बेहतर जाएगा। इस राशिफल को आप दोबारा भी सुन सकते हैं। तो धार्मिक उपाय यदि आपके लिए बताया जाए जो साल भर आप जरूर करें, तो घर में शनि यंत्र स्थापित कर लें और प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष में मीठे जल को अर्पित करके सरसों के तेल का दीपक जलाएं,
भगवान शिव की आराधना आप साल 2022 में जरूर करें, जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करते रहें, गरीब साधु संत बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव रखें, भोजन कराएं, यथाउचित दाने चारे का प्रबंध करें और शनिवार के दिन चने की दाल, हल्दी, पीला कपड़ा, ये तो आप दान कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ शनिदेव से जुड़ी हुई चीजों का आपको दान करना है। काले तिल, उड़द, जूते चप्पल, काला शर्ट, काला पुष्प यानी काली चीजों का दान आप कर सकते हैं शनिवार के दिन। और गुरु से संबंधित चीजों को पूर्व में हम बता रहे थे, तो काली वस्तुओं का दान आप शनिवार के दिन करें तो बेहतर संभावना निर्मित होती हुई जरूर नजर आएगी। साल 2022 में कुंभ राशि वाले जातकों को हेल्थ प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी, तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहें और वर्ष 2022 में अपने घर में रुद्राभिषेक भी आप जरूर कम से कम 3 बार कराएं। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी। साल 2022 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को अभिराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।